आज हम पढ़ेंगे कक्षा दो का विषय हिंदी फर्स्ट पार्ट पांच। पार्ट का नाम है लो गुब्बारे ले लो। आपका एक कविता है, तो आप कविता पढ़ चुके हैं और कविता एक्सप्लेनेशन भी कर दिए हैं। आज हम कविता का अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास में आपका पहला प्रश्न है, इन्हें पढ़िए। तो पढ़िए में आपका है रंग बिरंगे गुब्बारे बाजार हल्ला दंगा। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, सही का निशान लगाइए। क गुब्बारे कहाँ पर मिलते हैं। विकल्प आपका है बाजार में, पेड़ पर, आकाश में। तो आपका इसमें विकल्प सही है बाजार में। तो आप क्या करेंगे, इसमें सही का निशान लगा देंगे, बाजार। गुब्बारे बाजार में मिलते हैं। फिर आपका ख है, गुब्बारे कैसे फुलाने चाहिए। विकल्प है जोर से प्यार से भाग कर। तो इसमें आपका विकल्प सही है प्यार से। तो इसमें क्या करेंगे, सही का निशान लगा देंगे, गुब्बारे प्यार से फुलाने चाहिए। ग है, हमें हल्ला दंगा करना चाहिए। विकल्प है हमेशा, कभी कभी, कभी नहीं। तो हमें हल्ला दंगा कभी नहीं करना चाहिए। तो आपका कभी नहीं विकल्प सही है। तो इसमें सही का निशान लगा देंगे। घ है आपका, गुब्बारे लेकर कौन आया। तो विकल्प है आपका भालू वाला, गुब्बारे वाला, पापा जी। तो गुब्बारे लेकर गुब्बारे वाला आया था। तो इस पर आपका विकल्प सही है। तो सही का निशान लगा देंगे। फिर आपका तीसरा प्रश्न, वे पंक्तियाँ लिखे को जिनमें गुब्बारे फुलाने की बात कही गई है। तो गुब्बारे फुलाने की बात कही गई, तो उस पंक्ति को आपको लिखना है। तो पंक्ति आपका है, वो रंग बिरंगे गुब्बारे मैं लाया हूँ बाजार से, खाली ले लो इन्हें फुलाओ मगर फुलाओ प्यार से। तो इस पंक्ति को आप इसमें आप लिख भी देंगे, रंग बिरंगे गुब्बारे मैं लाया हूँ बाजार से, खाली ले लो इन्हें फुलाओ मगर फुलाओ प्यार से। तो ऐसे आप ये अपने बुक में से कंप्लीट करेंगे। फिर आपका ख है, जिनमें गुब्बारों के रंग बताए गए हैं। आपको एक पंक्ति लिखना है जिसमें गुब्बारों के रंग बताए गए हैं। तो आपका क्या है, यह नीला है, यह पीला है, यह है रंग बिरंगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, लिख देंगे, यह नीला है, यह पीला है, यह है रंग बिरंगा बिरंगा। फिर आपका ग है, जहाँ गुब्बारों का दाम बताया गया है, जहाँ पे गुब्बारों का दाम बताया गया, इस पंक्ति को आपको यहाँ पे लिखना है, एक रुपए का एक मिलेगा, आओ तुम ले जाओ। तो गुब्बारों का दाम बताया गया, तो यहाँ पे आप लिख देंगे पंक्ति, एक रुपए का एक मिलेगा, आओ तुम ले जाओ। जाओ, ऐसे आप अपनी बुक में से कंप्लीट करेंगे। फिर आपका चौथा है प्रश्न, ठीक तुक वाले शब्द लिखें। तो आपका क है नीला, तो नीला का ठीक तुक क्या होगा, पीला। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पीला। फिर ख है जाओ, जाओ का हो जाएगा आओ।